थैंक यू। ये लो क्या सर, सोलो 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 सर लोग किया सर, थोड़ा सा लुकिया एक मिनट, ठीक है सही है। चलो भी आप कैसे सर लोग किया आप लोग यहाँ पे आए और आज मूवी का म्यूज़िक लॉन्च है, बहुत खुश हूँ यार और बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी के म्यूज़िक लॉन्च को लेके, बहुत खुश हूँ और अभी अंदर जाके देखता हूँ क्या है, क्या एज एन क्या बात हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। सो ये आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द म्यूज़िक लॉन्च। मेरा कैरेक्टर जो है एक कसाई का है इस मूवी में, और जो कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अलग कैरेक्टर है, बहुत एग्रेसिव है एक टाइम पे, बहुत फनी है और बहुत अनोखा कैरेक्टर है यार, जो एज एन यू नो कुछ भी अपने मन की करता है, अपने दिमाग से चलता है, किसी को उसे उसको किसी से कुछ नहीं पड़ी, कुछ भी जो उसको समझ में आता है वही करता है, कि क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ नहीं आता, और जो कर रहा है बिल्कुल अपनी अपने मन से जो करता है वो सही करता है, बिल्कुल बिंदास रहने का, जो भी करने का अपने आप रहने का, किसी से कोई लेने का। ओके, डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट इन बॉलीवुड, खेल तो अब शुरू होगा, कितनी सही शुरुआत मानते हैं आप? मैं बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूँ यार इस अपना अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को लेके भी, और क्योंकि आज के डेट में मैंने देखा यार जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना मुंबई में, चाहे वो आउटसाइड मुंबई से आए या मुंबई के ही हों, जो भी एक्टर बन के आते हैं, बहुत लोग हीरो पे फोकस करते हैं कि हम लोग हीरो बनना है, हीरो का तो एक आज की डेट में जैसे वो पहले बैरियर्स नहीं रहे, जैसे पहले जैसे प्राण साहब थे और अमरीश पुरी साहब थे कि नहीं यार जो विलेन करना है तो वही करना है, और कुछ नेगेटिव करना था नेगेटिव ही करना, पॉजिटिव नहीं, बट आप ट्रांसफॉर्म करो, जैसे शाहरुख खान साहब ने डर में ट्रांसफॉर्म करा था अपने आप को और उसके बाद से, बट आज भी इमेज उनकी एज ए हीरो ही है, तो इसी वजह से यार मैं वो चीज़ प्रमोट करना चाहता हूँ कि नहीं यार जो अगर एज एन विदाउट हीरो विलन कुछ नहीं है और विदाउट विलन हीरो कुछ नहीं, और विलन एज एन जो नेगेटिव जो रहते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव में भी कभी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और पॉजिटिव जो है नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, कैरेक्टर और उस बंदे की पोटेंशियल होनी चाहिए एज एन, वो कुछ भी कर सकता है। ओके, आप मानते हैं कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग का जो तरीका है, फिल्म ऑडियंस चेंज हुई है, फिल्म मेकिंग चेंज हुई है, अनुराग कश्यप, हिमांशु दुलिया, मान सिंह तोमर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया हर लिहाज से, डू यू अग्री विद दिस? और शायद वही एक बदलाव ही उस तरफ लेके जा रहा है कि नया सिनेमा लोग पसंद कर रहे हैं, कंटेंट किंग हो गए हैं। बिल्कुल सर, हो गए और होना भी चाहिए एज एन, कंटेंट चेंज होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, यू नो इट्स नेचर की आप बदलाव जब तक नहीं लाते तो आपको ऑडियंस को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, और आज की ऑडियंस कैसी है उसको ना कुछ नया चाहिए, रिपीटेडली कुछ नहीं चाहिए, रिपीटेडली आप दोगे कुछ भी नहीं चलेगा, ना चलेगा वो कहते हैं हाँ यार देखा हुआ है, ये पहले भी देखा हुआ, पहले भी आते हैं रोमांस करते हैं कुछ करते हैं गाना गाते हैं और चले जाते हैं, तो हर बार पब्लिक को कुछ नया चाहिए, आप पब्लिक को नया दोगे, पब्लिक का मन पसंद दोगे, बट ऑफिस को पसंद आएगा, और क्योंकि ये नया देना भी चाहिए सर, क्योंकि चेंज इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, आप जब तक चेंज नहीं दोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप रिपीटेडली वो दोगे ना किसी को सुनने में मज़ा आएगा ना किसी को देखने में मज़ा आएगा, आप चेंज दोगे बंदा सामने से देखेगा भी सुनेगा भी समझेगा भी और आपको पसंद भी करेगा। ओके, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ खेल तो अब शुरू होगा, जब भी फिल्म रिलीज होगी
क्या सर? बिकॉज ये एक अलग तरह का सिनेमा है, बहुत अच्छा सिनेमा है, इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, यू नो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल, तो आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी इसके अंदर, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत हटके देखने को मिलेगा बिकॉज, और मेरे साथ साथ मैं क्या सबने हर एक बंदे ने इसमें इतना उमदा काम करा, इतना बढ़िया काम करा है कि आपको लिटरली पसंद आएगा, देखने को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच। Both of you center look that. Excuse me, yeah. Look here, center. Sir, look here. Sir, look here, center. Both of you. Center, sir, left hand. Yeah, solo. Thank you. Solo, solo. सर सेंटर में देख लेना, देख लेना सर, सर सेंटर संदीप सर, आप संदीप सर क्या लोग किया लोग किया सेंटर स्पीड में क्या लोग किया प्लीज मैम भैया मैम क्या सेंटर नहीं मैम मैच कवर हो रहा है भाई, मैच कवर हो रहा है। नीचे का रोहन जो है हमारा नीचे में और डेफिनेटली खेत और देखने के लिए रॉबरी इन अ बैंक आई थिंक कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, उसे लाने में जो दोस्त मूवीज करने का आप लोग देखिए और दिल्ली के तो इंसान मौके में आके जो बनाते हैं उनका अंदाज अलग होता है, स्टाइल अलग होता है, रहती है आपको टीम भी बहुत अच्छी थी, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे ये अनाउंस का नहीं है, मोबाइल में बज रहा है, मेरा बजेगा। इन्हें वाले घूम नीचे करो, लो बोल बोल बोल, चलो देख के पता चलेगा। मैं ऊपर रहता हूं, खेत में अंदर डाल देगा, एक्चुअली हो चुका है खेत। डॉली और मेरा थोड़ा जॉली नेचर है इस मूवी में, और
बहुत अच्छा रोल है मेरा बाकी आई हाउ ट्रू इट इज ऑब्वियसली दाढ़ी लगा ली है बट इमेज अभी भी हमने ये फिल्म में अरे चुप हो जाओ यार बहुत कुछ हो रहा है चोरी हो रही है क्या गैंगस्टर से मिलना हो रहा है इनका तो चेहरा नहीं दिख रहा कहाँ ले जाऊँ मैं बहुत कुछ हो रहा है बैंक रॉबरी हो रही है बट एट द एंड ऑफ इट ये फिर भी एक लव स्टोरी है थ्रिलर है बट इसका जो फाउंडेशन है वो लव है जो हीरो होता है उसे हीरोइन से प्यार हो जाता है और उसके वजह से वो क्या क्या करता है दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म ओके इट मींस यू आर सेइंग यू आर नॉट ब्रेकिंग योर इमेज मतलब यू आर स्टिल द चॉकलेटी बॉय हूम एवरीवन लव्स या स्टिल लव स्टोरी I think so. You know, kya hai na? Center look, sir. A little bit. There is a difference. It's not a love story, so I can't call this a love story. But ये एक thriller है, जिसमें love story भी है. So my character, he goes from a you know good boy, एक अच्छा लड़का है. और जब उसे प्यार हो जाता है, तो उसे क्या कुछ उस प्यार को बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है. And that transforms him from a good boy to a sort of negative character. Okay, it also reminds me of the current film promotion which is going on through Tiger Shroff and Shraddha Kapoor. They're too talking about, you know, a baghi, jise pyar ho jata hai. It also reminds us of, is it be similar to that? See, I don't think it's similar to that at all. Because that's an all-out action movie. उसका कॉन्सेप्ट भी मुझे कुछ अलग ही लग रहा है एक बिल्डिंग से वो फर्स्ट फ्लोर से लेके लास्ट फ्लोर तक कैसे पहुंचता है तो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये तो बस सिंपल सी कहानी है कि एक लड़का है और उसे अपने प्यार को बचाने के लिए इवेंचुअली हैज टू रॉब अ बैंक ओके टाइटल से कितना इस्तेमाल रखते हैं आप से पूछ रहा हूं दोनों से बोलना होगा खेल तो अब शुरू होगा कहाँ से शुरू हुआ है खेल आप बताइए लुक सेंटर किसके किसके बीच में खेल चलता है पूरी फिल्म पहले पहले प्यार का खेल चलता है उसके बाद ये कैमरा क्या है कैमरा लुक ओके पहले प्यार का खेल शुरू होता है उसके बाद उसमें जो ट्विस्ट आते हैं टर्न्स आते हैं उसके बाद गैंगस्टर आते हैं उसके बाद क्या क्या होता है तो हर पल में हर मूड में यही लगता है कि खेल अब शुरू होगा खेल कहाँ खत्म होती है जाके जब ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगेगी तो तब भी खेल शुरू ही होगा ऑनेस्टली ये ऐसी फिल्म है जब मुझे नरेशन मिला था इस स्टोरी का तो ये एक ऐसी कहानी थी कि मुझे समझ नहीं आई कि यार सच में ऐसा हो गया कि ये विलेन है या ये हीरो है या ये हीरोइन है तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक कह सकते हैं कि ट्विस्ट एंड टर्न से भरी स्क्रिप्ट थी एंड वो फिल्म में भी नज़र आएगी जब आप फिल्म देखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फिल्म की कहानी हमें पता थी शूटिंग भी कर ली थी तो वी डोंट नो हमें जब फिल्म देखते हैं तो वी डोंट नो क्योंकि हमें पहले से पता है कि विलेन कौन है बट होपफुली जब आप देखेंगे तो अगर आपको ये सस्पेंस ना पता हो और फाइनली पता चल जाए कि हाँ ये विलेन है If you all find it interesting, then it's a good film. What message do you want to give to the audience? Why they come and see your movie? See, I think honestly, this is not a ऐसे social message वाली कोई film तो है नहीं. It's a entertaining film. और जैसे कि कोई भी थ्रिलर होती है इट्स सपोज टू कीप यू एनग्रॉस्ड आपको ऐसा लगना चाहिए यू शुड फील फॉर द कैरेक्टर्स यू शुड फील फॉर द लीड पेयर आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये बच जाए एंड जो भी विलेन इनके साथ कर रहे हैं वो ना करें एंड हाउ दे शुड एस्केप फ्रॉम दिस यू विल ऑलवेज फील फॉर दिस थैंक यू और क्या क्या आप मल्टी स्टार स्टार फिल्म करना चाहेंगे फॉर एग्जांपल गिवन अ चॉइस टू बी अ ब्रदर ऑफ मिस्टर शाहरुख खान और समबडी एल्स सलमान यू नो समथिंग सी ऑब्वियसली जो हमारे तीनों खान्स हैं दे अदर सुपरस्टार ऑफ द कंट्री एंड उनके साथ अगर कोई छोटा रोल भी मिले कोई छोटा सीन भी मिले एक सीन भी मिल जाए उसे करने में बहुत मजा आएगा बिकॉज एवरीवन वांट्स टू मीट देम एवरीवन वांट्स टू एक्ट विद देम तो ये तो मैं डिनाई नहीं करूँगा कि फॉर वन सीन ऑल्सो इफ आई गॉट टू एक्ट अपोजिट एनी ऑफ देम आई वुड हैव टेकन इट अप भाई का रोल तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड अबाउट फिल्म्स नॉट डूइंग वेल एंड डूइंग वेल ऐसा है कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इवन दो द फिल्म्स हैव नॉट डन वेल मुझे काम मिलता गया है फिल्में रिलीज़ होती रहती हैं और अलग अलग किस्म का काम मिलता रहता है तो इट्स आई थिंक यू नो मैं यू नो ऑडियंस मुझे पसंद करती है और लोग जानते हैं इस बात को तो वो मुझे हमेशा चांस देते रहते होपफुली कभी ना कभी कोई ना कोई फिल्म तो क्लिक हो ही जाएगी ओके थैंक यू सो मच बहुत मजा आया फिल्म में शूट करके कैमरा देखा और ये फिल्म देख के होपफुली ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच हमारे मुझे लग रहा है आपकी टाइम चलो एकदम देखने को मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आया आपके थैंक यू श्री कपूर गाइस तालियों में कंजूसी मत कीजिए कमाल की बात जल्दी से कमाल आप खेल तो आप शुरू होगा
पिक्चर ली थी और बहुत छोटे लग रहे हो, तो क्या बात है, पिक्चर में कुणाल जी ने इतनी मेहनत कराई है, उसके बाद ये थार और ज्यादा आ गया। ये कैसे कैसे रोस्ता? मैं हर फिल्म के बाद ना एक साल छोटा होता था, तो जितनी फिल्म्स मिलेगी उतना मैं छोटा होता जाऊंगा। बट ऑनेस्टली ये जब मैं फिल्म कर रहा था तो इतनी दाढ़ी बना ली थी, आई हैड नॉट शेव फॉर सम 45 डेज, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं दाढ़ी के साथ घूमूं। घर पर भी लोगों को लगता था कि क्या हो गया इसे, गैंगस्टर लग रहा था मैं। बट बिकॉज ऑफ दैट आई यूज़ टू फील द कैरेक्टर। मैं जब सुबह को उठता था तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं रुस्लान हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं चॉकलेट बॉय, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बैंक रॉबर हूँ और मैं बैंक रॉबरी कर सकता हूँ। सो शुरू किया था, इस पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। ऑल द लेडीज यू नो दे यूज़ टू लुक आफ्टर अस, दे यूज़ टू लुक आफ्टर कंटिन्यूटी स्क्रिप्ट्स, और जितना भी ग्राउंड था लखनऊ का जो शूटिंग देखने आते थे, दे यूज़ टू हैंडल ऑल ऑफ देम। सो प्लीज यू नो दिस इज for the 80s, this film is there a lot, yeah? And now, I think Deep Ji, Lilay, I'll say a few words. Mere baare mein kehna, how much I helped you? Ye film karke bahut maza aaya. Jab maine pehle story padhi, mujhe laga wow, very exciting. Phir jab aap shoot mein gaye, to again jaise sir ne bataya, sir ne bataya, humne ऐसी कंडीशन में शूट किया, हमारे कैमरे बंद हो जाते थे, बहुत गर्मी होती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी जो हम बता भी नहीं सकते आपको अभी। बट फाइनली हमारा शूट पूरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सबने बहुत कोऑपरेट किया, कुणाल सर ने, पूरा टीम इतना अच्छा था, स्पेशली रुस्लान ने। रुस्लान ने मुझे बहुत सारे एक्टिंग टिप्स, बॉडी लैंग्वेज टिप्स, आंखें कैसे देखनी है, इधर देखना है, रोमांस कैसे करना है, बहुत कुछ सिखाया। सो और निराली के सामने हमेशा सीन